गांव देओरा जिला कैथल के रहने वाले नरेंद्र कुमार ने सफलता की ओर बहुत छोटी उम्र में अपने कदम बढ़ा दिए थे। बागवानी विभाग द्वारा साल 2012 में इनको मधुमक्खी पालन के लिए 50 बॉक्स दिए गए थे। आज इनके पास लगभग 550 बॉक्स हैं और इनका मुनाफा प्रति वर्ष 10 से 15 लाख रुपए तक है। मैं नरेंद्र कुमार सुनोपतन सिंह, गांव देवरा, जिला कैथल। मैं 2010-11 से मधुमक्खी पालन का काम कर रहा हूं। मैंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से 2010-11 में 50 बॉक्स मिले थे। आज मेरे पास 500 से 550 बॉक्स बेकलोनिया हैं और मैं प्रतिवर्ष 10 से 15 लाख रुपए प्रतिवर्ष शहद से मुनाफा कमा रहा हूं और साथ में अपनी मक्खियों की भी बिक्री कर रहा हूं। हरियाणा सरकार ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से 85% सब्सिडी का भी योगदान दे रखा है। मेरे तो यही है कि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा बी फार्मिंग और साइड में बिजनेस करने का एक आमदन का भी फायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपनी 20% एक्स्ट्रा फसल का भी मुनाफा ज़्यादा एक्स्ट्रा ले सकते हैं और हरियाणा में ही बी कीपिंग का काम अच्छे लेवल पर किया जा सकता है, क्योंकि पूरे हरियाणा में 2-3 जिलों को छोड़ के बाकी मस्टर्ड का काम, जो सरसों बोलते हैं, अच्छा काम, अच्छा मुनाफा का है। और शहद के रेट अब तो डबल हो चुके हैं, 150 से 160 रुपये पर केजी शहद बिकता है। ना कोई खर्चा, ना कोई जगह की जरूरत, और इसमें एक बारी पैसा लगाने के बाद हमें दोबारा कोई पैसा नहीं करना। फिर तो हमने अपनी मक्खियों की केयर करनी है। जो मस्टर सीजन आते हैं उसमें हम 50 कॉलोनी बढ़ा सकते हैं। हमने बस अपनी मेहनत करनी है और शहद निकालना है। मैं तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छी एक मेरे को दिशा दी, लाइन दी और मैं आज अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ। बागवानी से जुड़ी किसी भी समस्या या जानकारी के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 1800180-2021 पर कॉल करें। बागवानी विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।